नमस्कार, मु संगीता मो चैनल आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आसतु आज भिडटे आरंभ करवा। आज मुझे आसी शरत पूर्णिमा बा गजलक्ष्मी को पूजा उपर गोटे भिडियो जोटा कि कजागरी लक्ष्मी पूजा मध्य कहुए। आसीन मास शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथि को शरत पूर्णिमा कुमार पूर्णिमा तथा कोजागरी पूर्णिमा मध्य कहुए। यह दिन श्री हरि विष्णु को सह माँ लक्ष्मी को मध्य पूजा कर जाए थे। एक दिन माँ लक्ष्मी पेचा उपरे बसी भ्रमण करती और देखती को मैंने सब जाग्रत रही नारायण को स्मरण करछंती, तो उपरे से सारा कृपा वर्षा कर दियंती एवं तांको घरे प्रतिष्ठा हो सब दिन पाई रही जाती। यहाँ कोजागरी पूर्णिमा नाम दि जाए। एही वर्ष शरद पूर्णिमा 2020 अक्टोबर 30 तारीख दिन सूर्यास्त पर आरंभ होची एवं तापर दिन 31 अक्टोबर 8टा पर्यंत रहिबो। एहाकु कोजागरी लक्ष्मी पूजा बा गजलक्ष्मी पूजा मध्य कुआ जाय थाय। एहा 31 तारीख दिन ए वर्ष कुमार पूर्णिमा पालित होबो, किंतु गजलक्ष्मी पूजा 30 तारीख रे पालित होबो। एही दिन सकाळ उठि गोमय जल रे घर द्वारा धोई पोछी परिष्कार परिच्छन्न करी निजे स्नान सारी शुद्ध परिष्कार शुक्ल वस्त्र परिधान पूर्वक पूजा विधि आरंभ करबा उचित। अरुआ चावल बाटी झुट्टी चिता आदि पकाइबे, जेमदिकी आमे माणबसा रे पकई थाउ सेहिपरि चिता झुट्टी पकेबा एवं गोटे स्थान रे कदळी गछ साइटे पुती माँ को स्थापना करी पूजा करें। जमीक मुझे देखी यहाँ मुझे गणेश पूजा एमती कदमी गचर गोटे मंडप बनईली आपन चाहिए लक्ष्मी पूजा भी एमती कदमी गच सैड रखी माँ को गोटे मंडप तैयारी करें को रखी पूजा करें। नचे केवल गोटे खटुली पीढ़ा रखी गजलक्ष्मी को ये बसईकी पूजा करें। गोटे कलश स्थापना करेंगे, कलश में नड़िया हो कि खंडे कदमी दे कि कलश बसईकी घट स्थापना करी पूजा आरंभ करेंगे। धूप दीप नैवेद्य दे पूजा करेंगे एवं खीरी प्रस्तुत करी से दिन माँ पाखे भोग लगे था। दिन प्रत्येक फसल वृक्ष और वनस्पति आदि रे अमृत वर्षा करुवा पवित्र तिथि। यही शरत पूर्णिमा पर्व ए वर्ष 30 अक्टोबर शुक्रवार रे पालित हबो। शुक्रवार रे आरंभ हो शनिवार 31 रे समाप्त हबो। एही दिन चंद्रमा षोल कलारे परिपूर्ण थांती एवं तांकर शीतलता प्रदान करथांती। एही पूर्णिमा 12 मासर पूर्णिमा ठारु सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा भाबरे कथित अछि। एही दिन भगवान कृष्ण रासलीला रचना आरंभ करथिले, गोपी मानक सहित रासलीला करी समस्त को तृप्त करथिले। देवी भागवत महापुराण रे कथित अच्छी कि गोपी मान को देखी भगवान कृष्ण चंद्रदेव को संकेत देथिले। चंद्रदेव कृष्ण को संकेत बुझीपारी निजर शीतल रश्मि प्रकृति को आच्छादित करथिले। कृष्ण को बंशी स्वर शुणी समस्त गोपी निज निज घर छाड़ी कृष्ण को पाखकु धाई आसथिले। एही दिन चंद्रक रश्मि वृक्षलता तथा वनस्पति उपरे पड़ी अमृत संचार होइथे। तेणु एही दिन खीरी प्रस्तुत करी खोला आकाशरे छात उपरे किंबा भूईरे राति सारा रखा जाए। ता फळरे चंद्रंकर किरणरु जेउ अमृत वर्षा हुए ता फळस्वरूप खीरी अमृत समान होइ जायथे। सेही खीरी को प्रसाद रूपरे पाइले समस्त चंद्रदश खंडन होइ शरीर आरोग्य होइथे ओ मानसिक क्लांति दूर होइथे। आसिन मासर एही पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि बहुत महत्व रही थाए। मान्यता अच्छी कि शरद पूर्णिमा राति देवराज इंद्र और महालक्ष्मी ऐरावत उपरे बसी पृथ्वी पृष्ठ को आसती और देखती किए जागरण करुच्ची और नारायण को स्मरण करुच्ची। माता उपरे प्रसन्न हो कृपा वर्षा करती। श्रीकृष्ण राधा सह समस्त प्राणी और देवतागण पशुपक्षी मनुष्य समस्ते जाग्रत रही था। चंद्रदेव एक दिन षोल कलार समस्त को तृप्त करी। दिन ओडिशारे गजलक्ष्मी पूजा सह ओडिया झीओ माने कुमारी माने कुआर पुनेई मध्य पालन करथांती। दिन जनी असा समापन होइथाय
कुआरी माने संध्यारे पुनेई जह्न देखि चंद्रंकु पूजा करथांती। खई नड़िया कोरा कदळी चीनी मिश्री मिसाई चांद पूजा करथांती एवं चंद्र को अर्घ्य देई उपवास संपूर्ण करथांती। दिन सारा उपवास करी संध्यारे चांदंकु वंदापना करी प्रसाद ग्रहण करी व्रत खोली थांती। कुआरी माने चंद्रंकु अर्घ्य देई चंद्र पूजा करंती। एही दिन पूजा कले माँ लक्ष्मीक भाई चंद्र प्रसन्न हो शीघ्र फल प्रदान करथांती। दिन निजर इष्टदेवी को मध्य पूजा करा जाय थाए। एही दिन निजर इष्टदेव बा देवी पूजा सह गणेश और चंद्र को मध्य पूजा करा जाय थाए। एही दिन बंगाली माने मंडप स्थापना करी दुर्गा पूजा स्थान रे माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से पूजा करथांती और खेचुड़ी भोग प्रस्तुत करी वितरण करती। मान्यता अच्छी कि एही दिन जागरण करी माँ लक्ष्मी को पूजा कले धन संपत्ति वृद्धि हुए। एही दिन गजलक्ष्मी पूजा करिबा विशेष किछि कष्ट नुहे। सिंपल फोटो स्थापना करी पूजा करिपरिबे किंतु सूर्यास्त परे चंद्र उदय परे नड़िया करा पिठा खई मुआ फल ताल गजा डालिंब खई नड़िया करा आत फल पानी सेंगड़ा आदि प्रभृति आम भोग लगे पारा एवं नारायण को कलश को भी दि जगार आम भोग दे पूजा करवा। एमती तो आमर सब पूजा नियम अच्छे कि आग कलश पाखे दीप धूप दिया हबो भोग हबो तापरे आमे माँ को पाखरे एवं नारायण को पाखरे भोग करी परिबा। आ ए पूजा रे विशेष सेमती किछि कष्ट नाही। आपन को पाखरे जदि एमती हाथी अछि ताले दीटी हाथी माँ को सामना रे बसेई परिबे किंबा जो फोटो रे हाथी चित्र थिबो से फोटो को भी आपन पूजा करी परिबे। आ माँ को पूजा रे खीरी तो विशेषतः बना जाय थाए। माँ को धूप चंदन सिंदूर दे पूजा करिबे एवं एही पूजा रे अखंड दीप जलेबार विशेष महत्व रही। अखंड दीप पूरा जलेबे पूरा शुक्रवार ठू से दीप जलिबो ता पर दिन 31 तारीख शनिवार संध्या पर्यंत से अखंड दीपटी जलुथिबो ता प्रति विशेष ध्यान देबे। ता पाखरे मझिरे मझिरे चेक करथिबे एवं अखंड दीप रे घी मझिरे मझिरे दउथिबे। आउ जदि आपण पाखरे मार्बल पेचा किंबा काठर पेचा थिबो ताहा भी आपण माँ पाखरे बसेकी पूजा करिपरिबे। जेहेतु पेचा तो माँ बाहन तेणु पेचा पाखरे भी आपण भोग करिपरिबे। शंख हुळहुळी बजेबे किंतु घंटी किंबा घंटा आदि वाद्य शब्द करिबे नहीं कहीं माता शांति प्रिय घंटा घंटी पसंद नुहे तेणु केवल शंख हुळहुळी बजे पूजा करिवे। पूजा परे चंद्र को अर्घ्य आउ भोग देबे। रात्रि जागरण रही पूजा कले अति उत्तम फल मिली थाए। सारा राति श्री हरि ओ माँ लक्ष्मी को स्तुति पाठ करिपरिबे एवं लक्ष्मी सूक्त जदि आपण थिबो ताको पाठ करिपरिबे। माँ राति अंधार रे बुली बाहरती पेचा पिठरे आउ जी तांको स्वामी को भजु थांती तांको माँ आशीर्वाद करी तांको घरे रुहंती। खजगरा पूर्णिमा रे उपवास कले नुआ वस्त्र पिंधि पायस भोग कले भी बहुत भल माँ प्रसन्न होइथांती। ब्राह्मण को दक्षिणा देबा उचित। एहिपरि भावरे शरत पूर्णिमा रे माँ गजलक्ष्मी पूजा कले माँ प्रसन्न हो धन धान्य घर को पूर्ण कर दिंती आउ रोगरु आरोग्य मध्य तेणु जो मैंने भी पूजा करने को चाहते निश्चित रूप से करें। आ मो भिडी जदि भल लगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सेयार मध्य करदे। यापर मु आ गोटे नुआ भिड सांगे आसबी से पर्यटन रही। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।